सरकार ने मार्च माह में टोटल लॉकडाउन किया था, जिसके चलते हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बच्चों को जनरल प्रमोशन देकर बाकी बच्चे पेपर में पास कर दिया था, लेकिन हाई सेकेंडरी स्कूल के ज्यादा पेपर बचे होने की वजह से उनकी परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया गया, जिसके चलते परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह व शाम में शुरू हुई। आज देपालपुर ब्लॉक के 11 परीक्षा केंद्रों पर 1090 परीक्षार्थी परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो मास्क बांधकर दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को एक घंटे पूर्व बुलाया गया था। परीक्षा देने के पूर्व बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके साथ ही साबुन से हाथ धुलवा कर सैनिटाइजर करवाए गए। नगर के मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर थोड़ी अव्यवस्था जरूर दिखी। यहाँ टेबल गंदी थी व पूरे बरामदे व कुछ कमरों में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई गेहूँ की खरीदी का स्टॉक रखा हुआ था, जिससे थोड़ी असुविधा हुई।